आईफोन बनाने वाली टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एप्पल इंक अपनी बिना ड्राइवर वाली ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक कार को लेकर काफी समय से चर्चा में है। एप्पल की विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियों से इस बारे में चल रही चर्चा की भी लंबे समय से सुर्खियां बटोर रही है। अब नई रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल इंक चीन के सीएटीएल और बीईडी के साथ अपने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए बैटरी की आपूर्ति को लेकर बातचीत कर रही है। हालांकि यह बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। इस मामले की जानकारी रखने वाले चार लोगों ने यह खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों ने अपने नाम को जाहिर नहीं करने की शर्त रखी और कहा कि ये चर्चा निजी है। उन्होंने बताया कि इस चर्चा में बदलाव हो सकता है और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सीएटीएल या बीईडी के साथ समझौते किए जाएंगे या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल की आने वाली इलेक्ट्रिक कार की बैटरी की आपूर्ति को लेकर जो कंपनियां सामने आई है उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को अमेरिका में रखने की शर्त रखी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बातचीत में शामिल कत्ल जो टेस्ला इंक सहित कई बड़े कार निर्माताओं को बैटरी की आपूर्ति करती है वह अमेरिका और चीन के बीच राजनीतिक तनाव और लागत को देखते हुए अमेरिका में अपना प्लांट बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि क्या एप्पल अन्य बैटरी निर्माताओं से भी बात कर रही है। एप्पल, जिसने अभी तक अपनी कार योजनाओं के बारे में सार्वजनिक घोषणा नहीं की है, उसने इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव बैटरी निर्माता सीएटीएल और दुनिया की चौथे नंबर की कंपनी बीईडी ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस मामले से परिचित लोगों ने पहले कहा था कि एप्पल की इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपनी खुद की नई बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है क्या सीएटीएल और बीईडी के साथ चर्चा में एप्पल की अपनी टेक्नोलॉजी या डिजाइन शामिल था। यह चर्चा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी सरकार ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षित करना चाह रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की प्रस्तावित $1.7 ट्रिलियन करीब ₹1,240 खरब के बुनियादी ढांचा योजना में अन्य प्रोत्साहनों के बीच बैटरी निर्माताओं के लिए टैक्स क्रेडिट और अनुदान के साथ घरेलू ईवी बाजार को बढ़ावा देने के लिए $174 बिलियन करीब ₹127 खरब का बजट शामिल है। कई बैटरी निर्माता दुनिया भर में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में तेजी ला रहे हैं क्योंकि कार निर्माता ग्लोबल वार्मिंग ऐसी निपटने के उद्देश्य ऐसी कठिन उत्सर्जन नियमों का पालन करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में अपनी शिफ्ट में तेजी ला रहे हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक पिछले हफ्ते कत्ल शंघाई में एक प्रमुख नए ऑटोमोटिव बैटरी प्लांट की योजना बना रहा है जो विस्तार की तेज गति को जारी रखे हुए है। यह प्लांट दुनिया के नंबर एक आपूर्तिकर्ता के रूप में कंपनी की बढ़त को मजबूत करेगा। वहीं यह कारखाना टेस्ला के चीन निर्माण कार्यों के पास होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं।